जय हिंद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 4SD एकेडमी में। आइए चलिए शुरू करते हैं एग्रीकल्चर PGT, एग्रीकल्चर TGT का जो हमारा अगला टॉपिक है, भारत की मृदाएं और उसके बारे में बात करेंगे। मृदाएं, भारत की मृदाएं, मृदाएं, भारत की मृदाएं, यह मृदाएं दक्षिणी और पूर्वी भागों उत्तर प्रदेश यूपी MP कृष्णा कावेरी ब्रह्मपुत्र पुत्र की घाटियों में पाई जाती है। इन मृदाओं में क्या होता है, क्ले की प्रधानता होती, क्ले सॉइल की क्या होती है, अधिकता होती है। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का क्या होता है, अभाव होता है। यूपी की मृदाएं अधिकतर हैं, गेहूं, कपास, ज्वार, बाजरा, गेहूं, कपास, बाजरा, मक्का, गन्ना व मतलब यह मृदाएं दक्षिणी उत्तरी पश्चिमी पूर्वी भागों उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश कृष्णा कावेरी ब्रह्मपुत्र की घाटियों में पाई जाती हैं। मतलब जो ये जलोढ़ मृदाएं हैं ये यहाँ पाई जाती हैं, और इसमें क्या होती है, क्ले सॉइल की, इसमें मतलब कि क्ले सॉइल की क्या होती है, अधिकता होती है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास का क्या होता है, अभाव होता है। उत्तर प्रदेश की मृदाएं अधिकतर हैं, उत्तर प्रदेश की मृदाएं अधिकतर जलोढ़ हैं। ये फसलें हो गए, गेहूं, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, तेली क्रॉप, मतलब ऑयल वाली, जैसे मस्टर्ड हो गया, ये यहाँ मेन इसकी। ये मर्दों काली मृदा,
इन मृदाओं में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम Mg, CO3 की अधिकता होती है। खनिज की अधिकता होती है। अधिकता होती है। इन मृदाओं का रंग काला होता है। इनमें टिटैनी मैग्नेटाइड इनमें टिटैनी फेरस और मैग्नेटाइड क्या होता है। इन मृदाओं का रंग काला होता है और काला होने का कारण टिटैनी फेरस मैग्नेनाइट तत्व है। मतलब कि ये मांट मोरलो नाइट वोडोसाइट खनिज पाया जाएगा, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा, लौह पाया जाएगा, इनकी अधिकता होगी। हैं, इन मृदाओं का रंग काला होगा, काला होने टिटैनी फेरस है, मैग्नेसाइट तत्व है। इन मृदाओं में नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है और पोटेशियम चूने की अधिकता होती है। ये मृदाएँ दक्षिणी भारत महाराष्ट्र, आंध्रा, तमिलनाडु, ढक्कन के पठार,
मृदाएं कहाँ पाई जाएंगी? ये मृदाएं दक्षिणी भारत के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ढक्कन के पठार में पाई जाती हैं। अब लाल मृदाओं के बारे में बात करें। लाल मृदा उड़ीसा, महाराष्ट्र, एमपी ईस्ट और छोटा नागपुर में भी मैसूर में पाई जाती हैं। इन मृदाओं की उत्पत्ति ग्रेनाइट, नीश, सिल्ट आदि खनिज तत्वों से हुई। आज खनिज तत्वों से हुई। मतलब उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, एमपी ईस्ट हो गया, छोटा नागपुर हो गया, मैसूर हो गया, मतलब ये यहाँ पाई जाती हैं। इन मृदाओं की उत्पत्ति क्या है? ग्रेनाइट से, नीस है, सिल्ट से आदि खनिज तत्वों से हुई है। इन मृदाओं का लाल होने का कारण आयरन के विभिन्न ऑक्साइड के कारण पीएच इनका कितना होता है? 6 से 7.5। इन मृदाओं में इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना का अभाव होता है। कारी पदार्थ नहीं होता। ये मृदाएं अल्फी सॉयल, मृदा समूह में रखा गया है।
लाल मृदा, देखिए इन मृदाओं का लाल होने का कारण क्या है, आयरन के विभिन्न ऑक्साइड, आयरन के विभिन्न ऑक्साइड क्या करते हैं कि क्रिया करके इस मृदा को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। इसका क्या है, इसका पीएच कितना होता है, 6 से 7.5 इसका पीएच होता है। इन मृदाओं में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, चूने का अभाव होता है। ये हैं मतलब किन मृदाओं में, ऑप्शन दे देगा कि भाई किन मृदाओं में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, चूने का अभाव होता है, लाल मृदाओं में। फिर क्या है, कार्बनिक पदार्थ नहीं पाया जाता, कार्बनिक पदार्थ नहीं पाया जाता। कार्बनिक पदार्थ नहीं होता। ये मृदाएं अल्फी सॉयल समूह में रखा गया, मतलब इन मृदाओं को अल्फी सॉयल समूह में रखा जा गया, मतलब किस मृदा को अल्फी सॉयल समूह में रखा गया है, मतलब ये क्या है, लैटराइट मृदा। उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इन मृदाओं में फास्फोरस, पोटास, चूने की कमी होती है। इन मृदाओं में फास्फोरस, पोटास, चूने की क्या होती है, नीचे के क्षेत्रों में धान की खेती चाय, सिंकोना, रबर, कॉफी की खेती की जाती है। मतलब इन मृदाओं में फास्फोरस, पोटाश, चूने की कमी होती है। ये नीचे के क्षेत्रों में धान की खेती, ऊंचे क्षेत्रों में चाय, सिंकोना, रबर और कॉफ़ी की खेती की जाती है। ये मृदाएं ये मृदाएं
महाराष्ट्र पश्चिमी पश्चिमी क्षेत्र पश्चिमी मैसूर केरल, दक्कन पहाड़ी मध्य प्रदेश एमपी उड़ीसा में ये पाई जाती हैं। अगली मृदा की बात करेंगे, सूक्ष्म मृदाएं। सूक्ष्म मृदाएं सूक्ष्म मृदा ये मृदा वहाँ पाई जाती हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 19 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर हो। ये मृदाएं क्षारीय होती हैं। ये कैसी होती हैं? ये मृदाएं सारी क्षारीय होती हैं और इसमें उर्वरता की कमी होती है। राजस्थान कच्छ पंजाब में पाई जाती हैं। ये मृदाएं राजस्थान कच्छ गुजरात के कच्छ पंजाब में पाई जाती हैं। लीचिंग की अपेक्षा मतलब लीचिंग की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है। जब भाई परिसे नहीं हो रही तो वहाँ लीचिंग क्या होगी, जब पानी नहीं है तो लीचिंग क्या होगी, जो भी है वो भी उड़ जाएगी, इतनी गर्मी पड़ती है।
लीचिंग, लीचिंग का मतलब क्या है कि पानी के साथ न्यूट्रेंट का निचली सतह पर चले जाना लीचिंग कहलाता है। लीकेज नहीं जैसे बोलते हैं लीकेज, मान लो लीचिंग मतलब किसी भी मृदा या किसी भी खेत या किसी विशेष जगह पर मृदा के साथ पानी के साथ पोषक तत्वों का निचली सतह पर चले जाना लीचिंग कहलाता है, क्योंकि नीचे पानी जाएगा किसी खेत के तो उसके साथ पोषक तत्व जाएंगे ही। वात्मोत्सर्जन क्या है कि वाष्पीकरण भाप बन के या पानी का भाप बन के उड़ जाना वाष्पीकरण है। किसी भी जहाँ पर मॉइस्चर है या कोई लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स अगर वहाँ पानी है और इवेपोरेट हो रहा है तो वाष्पीकरण है। वो लौंडी या क्षारीय मृदाएं, क्षारीय मृदाएं, ये मृदाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, राजस्थान में पाई जाती है। मतलब सोडियम कैल्शियम, सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम की अधिकता होती है। अधिकता होती है अधिकता होती है ये हमारी मृदाएं हो गई। मतलब मृदाओं का जो भी एक मेन जो कॉन्सेप्ट था कि कहां पर क्या क्या कौन कौन मृदाएं पाई जाती हैं, वो हमारा कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, मिलते हैं कल एक फिर एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।